This is not any jumping ground which you are seeing. This is the prestigious university of Dr. Hari Singh Gaur, Sagar. Right now, I am standing in front of the library and the main office. Every day, the vice chancellor and the big authorities pass from here twice a day. But there seems no change in the condition of this of the garbage which has been thrown here. क्यों भैया, आप ये कचरा यहाँ डाल रहे हैं? आप ये कचरा यहाँ क्यों डंप कर रहे हैं? इकट्ठा करके इसको आग लगाते हैं और कहीं जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर डिस्पोजिंग करते हैं कचरे की? हाँ, यहाँ इकट्ठा करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसमें आग लगा देंगे। और ये जो प्लास्टिक है वो भी तो जलेगा साथ में? वो भी जलेगी। तो आपको प्लास्टिक के लिए डस्टबिन अलग रखना चाहिए। एक व्यवस्था नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए ना। आप यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं, तो आपका तो हक है कि आप यहाँ आप बिल्कुल बोलिए, वो तो कुलपति जी बिल्कुल देंगे आपको। तो आप अगली बार से प्लास्टिक के लिए अलग रखिएगा। दिस इज द क्लीन सागर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फॉर सम प्लेसेस, बट इट्स द मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस इन द सागर वी हैव सीन। Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission is a campaign in India that aims to clean up the streets and roads infrastructure of Indian cities, smaller towns and rural areas. आपके हिसाब से ये कदम प्रभावशाली रहा है हमारी सरकार द्वारा? मेरे हिसाब से तो ये कदम सरकार की जगह हमें स्वयं उठाना चाहिए था, लेकिन शुरुआत कोई भी करे वो स्वागत योग्य है। और आखिर में इसमें आपके क्या विचार हैं कि ये कदम आगे तक बढ़ता रहे? देखिए, मानव जीवन एक वरदान है और मानव जीवन को पाल के रखना, संजो के रखना, उसको स्वस्थ रखना, इसके सार में स्वच्छता ही है। इसके अलावा हमारा जो मानस है, चित्त जिसे कहते हैं, वो भी स्वच्छता के आधार पे ही होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसको सदैव निरंतर रहना चाहिए। कचरा फैला कौन रहा है? फैला कौन रहा है? आपने जो फैलाते हैं, जो दुकानदार फैलाते हैं, सभी माने। और तालाब की बात करें तो तालाब में ऐसा नहीं है कि सागर में पूरे नाला जुड़े हैं, तो तालाब में पूरा कचरा नालों के आ रहा। तो आपको क्या यहाँ पे आपने कभी देखा कोई यहाँ से सरकार का कोई आदमी आ रहा है कचरा तो साफ करने के लिए? नहीं, आते हैं सरकारी, शनिवार को आते हैं, परमानेंट आते हैं। Swachh Sarvekshan, commissioned by Ministry of Urban Development and carried out by Quality Council of India, is an extensive sanitation survey across several hundred cities to check the progress and impact of Swachh Bharat Abhiyan and to foster a spirit of competition amongst the cities. The performance of each city is evaluated on 5 parameters, in which the first is municipal solid waste, sweeping, collection and transportation. Second is processing and disposal of solid waste. Third is open defecation free toilets. Fourth is capacity building and e-learning. Fifth is provision of public and community toilet seats. बॉटनी के नज़रिए से अस्वच्छता का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमें आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, उसके कारण से जो ओजोन परत है हमारी, वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकृति को बचाने के लिए
चाहे हमारे लिए ई रिक्शा का प्रयोग करना पड़े, साइकिल का प्रयोग करना पड़े, हम किसी के घरों में बड़ी बड़ी गिफ्ट लेके जाते हैं उसकी जगह पे हमें किसी बच्चे के जन्मदिन पर पेड़ पौधे गिफ्ट करना चाहिए। तो एक प्रकार से हमें एक समाज में एक माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जो प्रदूषण है ये रुक पाएगा। अभी अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इनडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो चाहे वो रेप्टाइल्स हों चाहे वो एम्फीबियंस हों, बहुत सी स्पीसीज घट रही हैं। तो वही प्रभाव ऐसा ना हो हमारे समाज के ऊपर भी पड़े और कल के दिन हमारा मानव जीवन मतलब इस प्रकृति पर बचे ही नहीं और हम भी एक विलुप्त प्रजाति के रूप में गिने जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी के जो रोड है, जिस रोड से तिली तरफ से आता है, ये रोड तो बहुत ही साफ है। सामने जरूर ऑफिस के सामने इन्हें जो फिलिंग के लिए कचरा जमा कर रखा है, ये गलत है। स्वच्छता सर्वेक्षण कंडक्ट इन 2017 शोज दैट टॉप 10 सिटीज आर इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, तिरुपति, वडोदरा। Outcomes of Swachhta Mission. By May 2015, 71 Indian public sector undertakings and 14 companies supported the construction of 89,976. Hundreds of thousands of people were still employed as manual scavengers in emptying bucket toilets and pit latrines. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशागर श्रीवास्तव और मैं अभी बात करने जा रहा हूं शैलेंद्र जैन जी के साथ। स्वच्छता मिशन के लिए आप सागर की जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं? मैं आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि स्वच्छता सर्वे जो हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे, इस बार हमारा रैंक जो है 46वां नंबर है पूरे देश में। सागर शहर को स्वच्छ हो उसके लिए पेड़ पौधे लगाने की योजना तो हमेशा बनाई जाती है, लेकिन उसका पेड़ पौधों का रखरखाव नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आपकी कोई योजना है क्या? इस संदर्भ में हमने पेड़ पौधों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए पेड़ पौधों के पालक भी नियुक्त किए हैं। हमने विगत वर्षों में जहाँ जैसे सार्वजनिक स्थलों पर घरों के सामने अगर हमने प्लांटेशन किया है, तो जिस घर के सामने जो भी पौधा लगाते हैं उस पेड़ का पालक उस व्यक्ति को बना दिया जाता है। वो व्यक्ति उनका चिंता करता है, उसको पानी देने से लेके उसकी ब्रांचिंग करने से लेके उसमें और कोई खाद औषधि डालने की आवश्यकता होती है, सारे काम जो है उसका पालक करता है। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और इस व्यवस्था के परिणाम भी अच्छे हैं। अच्छा, तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मिशन मोड पहली बार शुरू करा गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। क्लीनलीनेस एंड गुड सैनिटेशन इन स्कूल इज अ मैटर ऑफ हाई इम्पोर्टेंस। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएं।